माय डियर कैंडिडेट, वीक की शुरुआत हो गई आज से आपकी, और शुरुआत इस बार बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। हर सैटरडे जब एंड होता है तो हम लोगों के लिए फिर से दोबारा से चालू होता है कि इस वीक में ज्वाइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि अगस्त का जो 1 से 10 का है उसमें मैक्सिमम ज्वाइनिंग है, और उसकी शुरुआत आज बहुत शुरुआत अच्छी हुई है, जिसमें बहुत सारी आज इंटरव्यूज़ हुए, बहुत सारी आज ज्वाइनिंग्स भी आई, साथ में नई ओपनिंग आई हैं जिसका मैंने एक सुबह दोपहर के लगभग एक वीडियो अपलोड किया है। माय डियर कैंडिडेट, जब कुछ मौके ऐसे आते हैं जिन मौक़ों को कैश करके आपको एक्टिव होना पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा लोग कभी कभी छोटी छोटी जब जॉब कर रहे होते हैं तो बरसते वो छोटी नहीं होती हैं, आपको छोटी जॉब जो होती हैं, जो नॉर्मल जॉब होती हैं, वो छोटे समय के लिए होती हैं। क्यों होती हैं? जब छोटे समय आप एक नॉर्मल जॉब करते हैं तो एक बड़ी जगह के जाने के लिए आपके लिए वो बहुत काम करती हैं। तो आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, बट छोटी जॉब से आप एक बड़ी जगह जा सकते हैं और रॉकेट की उड़ान उड़ सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, आज के जो मैं आपको कुछ ओपनिंग्स बताऊंगा उनमें अच्छी बात यह है कि वो कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं, 1-2 साल के एक्सपीरियंस हैं और बड़े ग्रुप में जाना चाहते हैं, जिनका नाम कानपुर के लिए फेमस होता है, उनके लिए आज इम्पॉर्टेंट ओपनिंग्स भी हैं, और ये मान के चलिए लगभग ज्वाइनिंग कन्फर्म है। जिन्होंने राइट टाइम दे दिया, सेरी कर ला, राइट टाइम इंटरव्यू देने चले गए, आप 200% मान के चलिए उनकी ज्वाइनिंग होनी ही होनी है। कभी बहुत सारी कंपनीज़ में ये डिपेंड करता है कौन सा कैंडिडेट किस टाइम पे किस मोमेंट में आ जाता है, वहाँ पे इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि जब भी कॉल अगर हमारे पास आती है, आप एक बार समझ लीजिएगा 99% कॉल्स हम लोगों के पास में ज्वाइनिंग्स की, इंटरव्यूज़ की, रिक्वायरमेंट्स की आती हैं, हमें फ़ोन नहीं करने पड़ते हैं। 1% ऐसी होती हैं, या मान लीजिए 2% ऐसी होती हैं, 98 उधर कर दीजिए, 2% इधर वो कर लीजिए, 2% ऐसी ज्वाइनिंग होती है जिनमें हमें पूछ करके कंफर्मेशन लेना होता है। एक एक रिक्वायरमेंट, एक एक प्रोफाइल, एक एक पैकेजेस बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। माय डियर कैंडिडेट, एक बहुत बड़ा मैजिक है जिसको हम लोग काम करते हैं, रिक्वायरमेंट के टाइम में आपकी प्रोफाइल उनसे मतलब की पहुँच जाती है तो कोई भी ज्वाइनिंग को रोक नहीं सकता है। ज्वाइनिंग जो रिकमेंडेशंस की होती हैं, जुगाड़ की होती हैं, उनमें पैकेजेस भी अच्छे नहीं आ सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, इस वीक में 1 से लेकर के 7 में बहुत सारी ज्वाइनिंग्स आनी हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो होने हैं, आप सबको मैं एडवाइस करूँगा किसी भी हालत में किसी भी दिन आप हल्के लेकर के मत चलिए। अब हम लोगों ने एक चीज़ और कर दी है, ऑफिस जॉब, MIS, अकाउंट्स, HR प्रोफाइल, इन सारी प्रोफाइल में कैंडिडेट्स को हम लोग यहीं पर पहले ट्रायल ले लेते हैं और फिर भेजते हैं। इसलिए ट्रेनिंग सेशंस को हम लोगों ने रेगुलर किया है कि अगर मान लीजिए 2 बजे के बाद का ट्रायल है तो हम लोग पहले यहाँ पे जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनसे पहले ट्रायल करा लो फिर भेजो, उससे पैकेजेस ज़्यादा आने के चांसेज होते हैं। इसलिए मैं सभी पेड प्रोफाइल सेशन वालों से कहूँगा, आप किसी एक दिन नहीं आ पाए हैं तो दूसरे दिन मिस मत करिए, क्योंकि आप पिछले दिन नहीं आए थे। और आपका PDF प्रोफाइल यहाँ से जो जिस तरीके की कंपनी में हम भेजते हैं, जो आपको प्रोफाइल्स बताया जाता है कि इसको, इस प्रोफाइल को इस तरीके से बना करके भेजिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसमें किस तरीके के कैंडिडेट को कैसे चुना जाना है, उन्हें चाहिए क्या, किस बात का ट्रायल लेंगे, क्या पैकेजेस देंगे और क्या कहने पर वो पैकेजेस ज़्यादा दे पाएंगे, इन सब का बहुत अच्छा जो होमवर्क है वो काम कराता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, केवल एड्रेस दे देना एक कंपनी का कैंडिडेट के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता है। चलिए मैं कंपनीज़ में आ जाता हूँ, और साथ में मैं आपको एक और बता दूँ, कई सारे ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, फ्रेशर कैंडिडेट, और मैंने देखा बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट ये सोचते हैं कि बड़े कॉलेजेस में चले जाएँ, एडमिशंस ले लें, कोर्स में एडमिशंस ले लें और उनको ये मिल जाएगा। कोई ITI सोचता है, कोई कंप्यूटर कोर्सेज सोचता है, कोई टैली सोचता है, कोई BTEC BCA सोचता है, और जब सच पूछिए, जब वो बाहर वापस आते हैं तो उनको सर्टिफिकेट एजुकेशन के हिसाब से नहीं मिलता, और कहीं धोखे से मिल गया तो उनकी प्रोफाइल दूसरी प्रोफाइल में वो जॉब दे देते हैं। इसी का सलूशन हम लोगों ने निकाल दिया है, और आपको जो दूसरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कोर्स तो बहुत कर रहे हैं बट कोर्स में वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है जिससे उनकी ज्वाइनिंग आ जाए, तो हम लोग दो काम कर रहे हैं।
एक तो जो दूसरा प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए यूट्यूब चैनल में देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेंगी। जो एक साल के हैं, दो साल के, तीन साल के, या उनको जॉब नहीं उनके हाथ में है, वो चाहते हैं हम कंपनी के अंदर वर्क भी करते रहें, सीखते भी रहें, सर्टिफिकेट्स भी हमको मिल जाएँ, साथ में बड़े पैकेज की ओर हम मूव कर जाएँ, उसके लिए जो क्या चैनल का नाम है सर, भूल गया, जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते चलिए, नीचे लिंक भी दिया होगा और समझते भी चलिएगा, अभी ज़्यादा वीडियोस में नहीं पड़े हैं। जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग को, जिसमें कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, 12 पास आउट हैं, किसी भी चीज़ में हो, उनको इमीडिएट जॉब चाहिए, तो उनके लिए एक होमवर्क किया गया है कि पूरे प्रोग्राम के बीच में उनकी अर्निंग भी होगी, कंपनी में जॉब भी करेंगे। क्योंकि एक बार समझिएगा, सिलेक्शन किसी भी कैंडिडेट का इस पर डिपेंड करता है कि वो उसके प्रोफाइल में क्या है। मैं सीधे कंपनी में आता हूँ तो मैं कंपनियाँ छूट जाएंगी और सारी बातें ज़्यादा हो जाएंगी। आप अगर अर्जेंट जॉब चाह रहे हैं, पैकेज चाह रहे हैं, लोहिया में चाह रहे हैं और बीकॉम के हैं, इमीडिएट आज रात को प्रोफाइल शेयर कर लीजिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीकॉम कैंडिडेट हैं, टैली है, बैंक रिकंसिलेशन है, आप बीकॉम हैं, आपके प्रोफाइल शेयर करिए, लोहिया में ज्वाइनिंग के लिए हम आपके साथ बढ़ते हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कई बार फ़ोन आ चुका है। कपिला ग्रुप में लोडिंग अनलोडिंग सुपरवाइज़र, देसी सुपरवाइज़र चाहिए, क्वालिटी सुपरवाइज़र अर्जेंट चाहिए। बंसल पंप में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, आज इनके ओनर से बात हुई थी, इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से दो दिन से नहीं जा रहे हैं, ये परसों दो दिन के बाद में ये ज्वाइनिंग करेंगे, बट इन्होंने कोऑर्डिनेट करने के लिए भी नंबर दे दिया है। 5 से 6 प्रोफाइल हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग अ नॉलेज ऑफ ऑटो कैड सॉलिड वर्क, एचआर मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, ये सारी प्रोफाइल्स हमारे यहाँ से इसी कंपनी में कैंडिडेट 1 लाख प्लस के में आ गए हैं, करीब आ गए हैं, और उन्होंने ज्वाइनिंग कर भी लिया है। पीडी साइंटिफिक इंडस्ट्रीज़ में सैप टैली ऑपरेटर फॉर अकाउंट्स एंड ई टेंडर वर्क के लिए बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है, ये नई प्रोफाइल है पीडी साइंटिफिक इंडस्ट्री में, ये ई टेंडर वालों के लिए बहुत अच्छा है, सैप टैली वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। श्यामा उद्योग में रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रीशियन लाइजनिंग कम सेल्स ऑफिसर की, इसमें जो सेल्स वाले बंदे लाइजनिंग वाले होंगे, एक तरीके की इंस्टीट्यूशनल सेल्स होगी मेरे ख्याल से, उसी में वो अर्जेंट इंटरव्यूज़ होने हैं। तेजसना में अकाउंट के फुल टाइम कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, 10 to 7 का टाइमिंग है, जो अकाउंट्स के फुल टाइम बंदे हैं जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्रोफाइल है। मार्केटिंग एक्सक्यूटिव सुपरवाइज़र की जनरल 12 घंटे की जॉब रहती है, पंखी ऑक्सीजन में जो करना चाहते हैं वो अर्जेंट इमीडिएटली आ सकते हैं। कामधेनु कैटल फीड में रनिया में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है फिटर, वेल्डर, हेल्पर, इन सबको कैंडिडेट को चाहिए जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्क किया हो। रिजेंसी में मैंने बताया था आपको, इसके लिए कई सारे कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है। एसक्यूएल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 4 से 6 लाख के बीच में, इवन एक्सपीरियंस कैंडिडेट को उसकी लास्ट सैलरी से ऊपर जा सकता है। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए 4 लाख to 8 लाख। मार्केटिंग एक्सक्यूटिव फॉर लखनऊ के लिए 30 का पैकेज, जिन्होंने हॉस्पिटल मार्केटिंग में काम किया हो, प्लस सीए अगर कोई है तो वो भी इसमें अच्छे पैकेज में आ सकते हैं। रुद्रा रियल एस्टेट कानपुर लखनऊ में डीजीएम सिविल में 6 लाख to 12 लाख का पैकेज है। स्पर्श इंडस्ट्री में अकाउंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट में 4 लाख to 7.5 लाख का पैकेज है। श्री सिद्धि में कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर बिलिंग की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्काईटेक स्विचगेयर में सीनियर डिजाइन मैनेजर 4 लाख to 8 लाख है। सुपर हाउस में फ्रेशर हों या मिनिमम एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिनका फेयर कम्युनिकेशन है, पीपीटी वगैरह बना लेते हों, रूमा लोकेशन में जाना चाहते हों, एमबीए या बीबीए या एफडीडीआई में टेक्सटाइल में कुछ काम किया तो और अच्छा है। डिज़ाइन मैत्री में तिलक नगर में रिक्वायरमेंट है फीमेल ऑफिस असिस्टेंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड क्लाइंट डीलिंग जिनका अच्छा हो, मेल मल्टीपल वर्क के लिए चाहिए, दो प्रोफाइल हैं। पीएस एंटरप्राइजेज में ई टेंडर एक्सक्यूटिव चाहिए जो 30 के करीब पैकेज आ सकता है। आरएसजी प्रोफाइल में जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कॉजी इंटरनेशनल में फीमेल ऑफिस सेल्स कोऑर्डिनेटर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। एके इंडस्ट्री में ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का अर्जेंट देख लीजिए। हैवेल्स में एमआईएस एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट जरूरत है। इंजेक्टोप्लास्ट में फीमेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड मैनेजरियल स्किल्स 40 पैकेज। 10th 12th ITI होल्डर फॉर मशीन ऑपरेटर का अर्जेंट चाहिए। विक्रांत ग्रुप में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एमआईएस मोनी चाय में इंटरव्यू चल रहे हैं। एफएमसीजी सेल्स के जो बंदे हों, मोनी चाय, गोल्डी मसाले, अशोक मसाले में टीएसआई से लेकर के एएसएम के फिर आ गए हैं, कुछ वेस्ट यूपी में, कुछ सेंट्रल यूपी के अलग अलग हैं। महावीर स्पिन फैब में फीमेल सीआरएम चाहिए इनको क्लाइंट सपोर्ट के लिए उन्नाव मगरवाड़ा लोकेशन के लिए। कपिला ग्रुप में स्मार्ट मेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल 25 का पैकेज है। कपिला ग्रुप में
ऑफिस एडमिन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट 25 के पैकेज का है, कैटल फील्ड यूनिट का है, फिटर सॉल्वेंट यूनिट का है, वन फिटर फॉर पैलेट मशीन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में FIVC के लिए लूम वीविंग सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर 1 लाख टू 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। स्पर्स इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट पेबल स्पेशलिस्ट हैविंग ए नॉलेज ऑफ SAP 4 लाख टू 8-7 लाख का पैकेज है। तिरंगा में सेल्स मैनेजर फॉर UP वेस्ट के लिए 60 का पैकेज है। मेंटोरो ऑयल में लैब केमिस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्री 40 का पैकेज है। कटारिया ग्रुप में क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए सिविल एक्सपीरियंस 50 का पैकेज है। रोटोमैक पंप में GST रिटर्न जिनको आता हो सबमिट करना वो एक रिक्वायरमेंट है अकाउंटेंट की। सेकंड रिक्वायरमेंट इनकी है इनको जो बेसिकली BDM प्रोफाइल है इनकी उसमें रिक्वायरमेंट है। थर्ड प्रोडक्शन सुपरवाइजर की है। फोर्थ प्रोडक्शन इनको CNC ऑपरेटर चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए बंदा चाहिए। सुपर हाउस में इलेक्ट्रीशियन चाहिए इनको खलासी लाइंस में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नमन गेस्ट हाउस में सुपरवाइजर मेल रिसेप्शन चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में BSc प्रोडक्शन सुपरवाइजर VMC ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। HS सुगंधी में सीनियर जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी BSc MSc क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। SK ट्रेडिंग में मेल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मारुति सुजुकी में वर्कशॉप मैनेजर फॉर रूमा लोकेशन के लिए चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, TL सेल्स चाहिए, अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ई स्पिन के लिए BSc मार्केटिंग स्किल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गंगा इंफ्राबिल्ड में परचेज मैनेजर अकाउंट कम स्टोर एग्जीक्यूटिव फॉर लखनऊ लोकेशन के लिए चाहिए, फूडिंग लॉजिंग के लिए अलग से इनके पास में है। PK ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कैडबरी में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। एंड कोड में प्रोडक्शन मैनेजर ऑफिस असिस्टेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 35 का पैकेज है। जूनियर में 15 का है। रतन हाउसिंग में जिनका ऑपरेशन मैनेजर जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो वो 50 का पैकेज में। MIS में जितने भी एक्सपर्ट आप होंगे उतना ही अच्छा पैकेज आ जाएगा। MIS टीम लीडर की रिक्वायरमेंट है। सेल्स एडवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MLA ग्रुप में सीनियर परचेज मैनेजर केमिकल इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल थोड़ी सी प्रोफाइल ये है। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री के हों और आप ये पैकेज इमीडिएटली चाहते हो 60 का पैकेज आपके लिए स्वागत है। ओम ट्रेडिंग में फैक्ट्री मैनेजर चाहिए जो HR टेक्निक्स में इसमें भी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, डिफरेंट HR टेक्निक के थ्रू जो उसमें कर सकते हो। सुभाष मसाले में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोडक्शन सुपरवाइजर के इंटरव्यूज अभी भी चल रहे हैं। इसमें W3 विला में 2 कैंडिडेट फाइनल हुए हैं। ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में मेंटेनेंस मैनेजर चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप चाहिए। सुपर हाउस में फैक्ट्री स्टोर मैनेजर लेदर इंडस्ट्री का चाहिए। भारतीय ग्रो में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है GST इनकम टैक्स के लिए। किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल सुपरवाइजर जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। वर्ल्ड लाइन में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, CCTV इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन चाहिए। कटारिया ग्रुप में मैकेनिकल शिफ्ट इंचार्ज 50 का पैकेज है। VK पैकवेल में HR रिक्रूटर जूनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर करी हैं। लोहिया की रिक्वायरमेंट को मैंने इसलिए आपसे कहा है क्योंकि वो बहुत जल्दी क्लोज हो सकती है, बट इंटरव्यू भी चल रहे हैं, लगातार इस वीक में चलेंगे, तो एक्टिव रहिए। इमीडिएट ज्वाइनिंग अगर चाहते हो तो लोहिया और ये लोहिया सुपर हाउस वंसल पंप ये सारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट जो आई हैं जिसमें रोटोमैक पंप की भी चल रही है, इन सबको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप हल्के में नहीं ले रहे हैं तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत अच्छी आती चली जाएंगी। तो पूरा वीडियो देखने की आदत डालिए, लोगों में शेयर करिए, इसका फ़र्क अलग दिखाई देगा। जब कंपनीज़ में सारी प्रोफाइल्स फिल कर दी जाती हैं तो 4 प्रोफाइल वो और भेज देते हैं, इसमें भी आप लोग कंट्रीब्यूट करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव MySureJob.com। वीक की शुरुआत अच्छी, अंत भी अच्छा होगा, एफर्ट्स करते रहिए। थैंक यू।